जब कांग्रेस तैयारी कर रही है तो बीजेपी क्यों ना करे। 2014 के लोकसभा और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न के आधार पर कह सकते हैं कि बीजेपी को गांव से भी वोट मिलने लगे हैं। गांव में बनी इसी पकड़ को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने अपना प्लान विलेज तैयार किया है। तो आइए आपको समझाते हैं कि बीजेपी का यह प्लान है क्या, जिसके जरिए वो संगठित होते विपक्ष को शिकस्त देने के लिए रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों गुपचुप ढंग से बीजेपी एक नई प्लानिंग को अमल में ला रही है। जाहिर है मसला 2019 के चुनावों से ही जुड़ा है। इस तरह की तैयारियों को देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला बड़ा रोमांचक रहने वाला है। हालांकि देश भर की सियासत में उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे भी बड़ी रोचक होती है। इसे लेकर राजनीति में एक कथन भी खूब प्रचलित है और वो ये है कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का किला फतह करने वाले दल की केंद्र में सरकार बनाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बीजेपी इसका स्वाद 2014 के चुनाव में चख चुकी है और इस कमाल को दोहराने की चाहत में बीजेपी की तैयारियां जबरदस्त तरीके से अमल में लाई जा रही है। मसलन बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के बाद एक और नई प्लानिंग है, जिसके जरिए गाँव में बीजेपी का झंडा बुलंद करने की कोशिश रहेगी। इसे बीजेपी की विलेज प्लानिंग कहा जा रहा है। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ यूपी में शहरी पार्टी होने का जो तमगा लगा था, उसे 2014 में बीजेपी ने उखाड़ फेंका था। जोर एक बार फिर वही है। ये तिलिस्म पिछले चुनावों में चल निकला था और बीजेपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर यूपी की 73 लोकसभा सीटों पर एक तरफा झंडे गाड़ दिए थे। उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमे में बनते समीकरण से इस बात की संभावना है कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे, जिसे बीजेपी हल्के में नहीं ले रही। उधर यूपी में हुए उपचुनावों में हुए हर्ष से भी बीजेपी चौकन्नी है, लिहाजा तैयारियों को और बारीकी से जमीन पर उतारने की तैयारी है और नया टारगेट है सूबे के वो गांव जिनका मूड अपने फेवर में करना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि गाँव में अक्सर अड़ियल पारंपरिक वोट पाए जाते रहे हैं। बीजेपी इस बात को बेहतर तरीके से समझती है, लिहाजा एक बड़े ही सजे हुए अंदाज में प्लान विलेज तैयार किया गया है, जिसके तहत 5,000 नेता 45,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल लगाएंगे। ये चौपाल 3-3 दिनों के क्रम में लगेंगी, यानी एक राउंड में 15,000 ग्राम चौपाल लगेंगे। ये कार्यक्रम 9 दिन में पूरा होगा। हर बूथ पर नई कमेटी का गठन होगा। बूथ कमेटियों पर जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि बीजेपी के सारे विधायक गांव के दौरे पर जाएं। विधायकों को दिन में कम से कम 5 गांव का दौरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि वो 2014 की तुलना में ज्यादा विश्वास के साथ सत्ता में लौटेंगे। हालांकि सियासी पंडितों ने पीएम के इस बयान को अति उत्साह में दिया गया बयान बताया था, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके इस सम्मान को पूरा करने में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। तो दूसरी ओर चुनौती विपक्ष की बनती एकजुटता को लेकर भी है, जो सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ संगठित होकर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बीजेपी के बढ़ते कद ने सपा बसपा जैसे दो ध्रुव विरोधियों की सियासत की मौका परस्ती वाली तहजीब एक दूसरे का सहयोगी बना दिया है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।